निश्चित मुझे बताइए कि जो हिजाब पर विवाद है, हिजाब के विवाद के बीच समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है और उत्तर प्रदेश में क्या उसका कोई असर है? देखिए, हम लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। 2012 से 17 नहीं, हिजाब की बात कीजिए सर, हम लोग मैं आपसे हिजाब का स्टैंड पूछ रहा हूँ, चाहे डायल 100 हो, वुमेन सिक्योरिटी हो और ये भारतीय जनता पार्टी। अभिषेक जी, मैं आपसे हिजाब पर स्टैंड पूछ रहा हूँ सर, समाजवादी पार्टी। हम लोग हिजाब पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है और क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में हिजाब जनता के बीच मुद्दा है कि नहीं है? देख, बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। इससे एक तरफा फायदा भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब को है। हम लोग विकास के साथ हैं। 2017 का भी चुनाव हमने विकास के नाम पे लड़ा, 22 का भी हम विकास के नाम पे लड़ रहे हैं। ये तो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कट्टर हिंदुत्व की बात तो करती यानी है। आप ये मानते हैं कि हिजाब ठीक है या मानते हैं कि हिजाब गलत है या मानते हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए? फिर मैं चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। देखिए, न्यायालय जो न्यायालय उस पे आदेश करेगा उसको सभी को अनुपालन करना होगा जी। ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये राम की बात करते हैं, ये धर्मांतरण की बात करते हैं, घर वापसी की बात करते हैं, तो ये तमाम सब चीजें उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। ठीक है सर, मैं वापस आ रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हिजाब के मुद्दे को आप उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या देख रही है उसकी? क्या लोगों के मन में कोई सेंटीमेंट है हिजाब विवाद को लेकर के? जाके सोनम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मेरे ख्याल से जाके सोनम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मौलाना अली कादरी साहब, हिजाब को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि भाई संविधान अधिकार देता है, वही लोग कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। एक आम मुसलमान किसकी सुने? देखिए साहब, हमारे अपने संविधान ने हमें इजाजत दी और उसी बिना पर हम अपने मजहब पर चलते हैं, अपने मजहब के प्रैक्टिसेस करते हैं। रहा सवाल कि अब कर्नाटक हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है जी, तो कर्नाटक हाईकोर्ट कतई फैसला करने वाला नहीं है। अगर कर्नाटक हाईकोर्ट में ऐसी कोई बात आती है जो हिजाब के खिलाफ होगी तो फिर हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट अभी विकल्प होगा। हम सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जो है अपील करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको हमसे छीनने का कोई हक नहीं है। रहा सवाल कि हिजाब को जिस तरीके से इश्यू बनाया गया इलेक्शन को देखते हुए, तो मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है। जैसे यूपी इलेक्शन खत्म होगा, ये जितने भी कट्टरपंथी लोग जो हिजाब के पीछे पड़े हुए हैं, हिजाब की मुखालिफत कर रहे हैं, आप देखेंगे वक्त गुजरते गुजरते ये मामला भी खत्म हो जाए। सर, मुखालफत वालों को कट्टरपंथी क्यों कहा जाए? सर, जो ये नारा दे रहे हैं कि पहले हिजाब फिर किताब, उनको क्यों ना कट्टरपंथी कहा जाए? ये साहब, आपको मैं कह रहा हूँ ना कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फक्र है। हाँ। हम मुसलमान हैं, हमें फक्र है। हाँ। तो हम हमारी लड़कियां IAS IPS हायर एजुकेशन हासिल करना चाहती है, लेकिन अपने दीन के साथ, अपने मजहब के साथ, अपनी शरीयत। मौलाना साहब, आपकी बात बिल्कुल बेहतर और काबिले तारीफ है कि महिलाओं की उन्नति की आप बात करते हैं, लेकिन जीनत शौकत अली, मुझे बताइए जरा कि फिर ये नारा क्यों बुलंद कर दिया जाता है कि पहले हिजाब फिर किताब, और क्या इस नारे का राजनीति से, उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेने देना कुछ है कि नहीं है? ये पहले से ये नारा ही एकदम गलत है। लेट अस से दैट दिस नारा हैज टू बी कंडेम्ड, क्योंकि किताब किताब और किताब, आप कुरान शरीफ किताब है अपनी, और उसमें छोटा सा मुद्दा है जो हिजाब का है, जिसपे कॉन्ट्रोवर्सी मेरे ख्याल से वो बिल्कुल वाजिब नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी इन इस्लाम। लेकिन ये बात क्या हुई कि पहले के हिजाब और फिर किताब, ये सिर्फ एक स्लोगन बनाया गया है, पॉलिटिकल स्लोगन कि लोगों को अट्रैक्ट करे, और क्योंकि ये इट्स अ हॉट टॉपिक टुडे, यू नो पीपल शुड फॉल फॉर दिस। लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल गलत बात है। जो अब फिलहाल जो है वो केस जो है हमारा वो हाई कोर्ट में रेस्ट हो रहा है, वहां पर डिस्कशन हो रहा है, हर किस्म की यू नो डिबेट हो रही है, वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट जो मैं सुन रही हूँ, क्योंकि चैनल उसको बुलाते हैं जी, और वो डिबेट इटसेल्फ इज वेरी एनलाइटनिंग। और फिर हाई कोर्ट का जो कोई भी डिसीजन है, फिलहाल जो उनका डिसीजन है वो ये है कि कोई भी रिलीजियस सिंबोलिज्म जो है वो स्कूल के अंदर नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी
कि किसी ये बड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है कि हिजाब को बैन होने जा रहा है, दिस इज रॉन्ग. जी हिजाब जो है एनी काइंड ऑफ अ ड्रेस जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वुमन के ड्रेस एनी वे शी वांट्स, अगर उसको हिजाब पहनना है या घूंघट पहनना है या साड़ी पहनना है वो जो कुछ पहन सकती है. ठीक है.